जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी खासी भर्ती के बारे में, वो है एसएससी जीडी की भर्ती। और बहुत सारे डाउट हो रहे हैं कि बहुत सारा कंफ्यूजन है, ओवरऑल सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ प्यारे साथियों। तो इसके बारे में हम बिल्कुल फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी की वैकेंसी है, 2022-23 वाली वैकेंसी है ये। इसको हम बिल्कुल शुरू से लेकर सारी की सारी जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब कुछ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है फिलहाल में इस पॉइंट पर कि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल वैकेंसियां कितनी है। कुछ लोग 50,000 प्लस बता रहे हैं, कुछ लोग 25,000 प्लस बता रहे हैं, कुछ लोग क्या। जहां तक है यहाँ पर जो वैकेंसियों की संख्या वो 56,000 प्लस है, ठीक है, 56,000। अभी फिलहाल में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यही है कि 56,302 पदों पर भर्ती आने वाली है। इसमें पदों की संख्या और बढ़ सकती है, ये ध्यान रखना, पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है यहाँ पर। तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार वाली न्यूज है कि फिलहाल में 56,302 पद हैं, लेकिन इनमें पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। यहाँ पर ये है भाई साहब क्या, 10 दिसंबर 2022 यहाँ पर ये अप्लाई डेट लिखा हुआ है। अप्लाई डेट नहीं, ये नोटिफिकेशन का डेट है, ठीक है। 10 दिसंबर 2022 को इसका एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यदि मैं इसके फीस की बात करूं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 100 रुपए फीस रहेगी, एससी और एसटी की यहाँ पर कोई फॉरम फीस नहीं रहेगी, बिल्कुल 0 रुपए फॉरम फीस है एससी और एसटी की। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर 10th पास आउट कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। और ध्यान रहे प्यारे लाडलो, बहुत गजब की नौकरी है, इसमें टोटल 6-7 टाइप की नौकरियां हैं और मैं उनका भी वीडियो लेके आऊंगा कि उनमें ज्यादा बेस्ट कौन सी है, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस के आधार पर आपको चुनना होगा कि आप CISF लेते हो, CRPF लेते हो, ITBP लेते हो या SSB लेते हो, कौन सी ज्यादा बेस्ट है, कौन सी में क्या काम करना होगा, क्या सैलरी में भी अंतर होता है। इसमें जो वेरियस टाइप की रहेंगी, जैसे CISF की हो गई, CRPF की हो गई, ITBP की हो गई, SSB की हो गई, तो क्या इनकी सैलरी में भी अंतर होता है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, बिल्कुल डिटेल से बात करूंगा सारी चीजों को लेकर। देखो एक बार थोड़ा सा वो बता देता हूँ, वहां पर सैलरी में अंतर नहीं होता कहीं पर भी कुछ भी, ठीक है। आप चाहे ITBP में लगो, चाहे आप SSB में लगो, किसी में भी लगो, आप CRPF में लगो, चाहे CISF में लगो, बेसिक पे सभी का सेम है, DA सभी को सेम मिलेगा। अंतर आएगा HRA में, इसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस में, जैसे ITBP वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है, तो अलाउंस का अंतर आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा अंतर अलाउंस का ही रहेगा जो सैलरी में डिफरेंस पैदा करेगा। जॉब लोकेशन मैं उस वीडियो में बता दूंगा, एक वीडियो लेके आ रहा हूं मैं जल्द ही, जहां पर मैं सभी के बारे में बात करूंगा। जॉब लोकेशन क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगी, सारा सब कुछ डिटेल से बात करूंगा, ठीक है। एज की बात करें तो एज में भाई साहब जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनकी एज यहाँ पर 18 से 23 होनी चाहिए, ओबीसी वालों की 18 से 26 होनी चाहिए, ठीक है, और एससी एसटी वालों की 18 से प्यारे साथियों 28 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज है जनरल की और ईडब्ल्यूएस वालों की 18 से 23, ओबीसी वालों की 18 से 26, एससी एसटी वालों की 18 से 28 साल। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है फिजिकल का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल भी होगा, आपका रिटन टेस्ट भी होगा, यहाँ पर ये सारा चीज रहेगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, ठीक है, आपका मेडिकल होगा और फिर ओवरऑल आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर बात करूं इसके जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, तो देखो 25 नंबर का मैथ आएगा, 25 नंबर का रीजनिंग आएगा, 25 नंबर का GK आएगा, 25 नंबर का हिंदी इंग्लिश आएगा। हिंदी इंग्लिश में से आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हो, आप इंग्लिश से कंफर्ट है तो आप इंग्लिश ले सकते हो, 25 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा, आप हिंदी से कंफर्ट हो तो आप हिंदी ले सकते हो, 25 नंबर का आपका हिंदी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रहती है, बहुत अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सिलेक्शन उनका होता है जो क्वेश्चन तो ठीक करते हैं, साथ साथ में उनको नेगेटिव मार्किंग का भी अच्छा पता रहता है कि भाई हमें नेगेटिव नहीं जाना है, हमें ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये था इसका रिटन एग्जामिनेशन का सारा सारा सीन,
कौन सी बेस्ट बुक रही, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक जल्द ही वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आपके उससे रिलेटेड, बुकों से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वहां पर मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि आपको एक कंबाइंड गाइड पढ़नी चाहिए, या मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, जीके की अलग, हिंदी इंग्लिश की अलग बुक, ऐसी की अलग अलग से बुक पढ़नी चाहिए। मैथ की कौन सी पढ़नी चाहिए, रीजनिंग की कौन सी पढ़नी चाहिए, हिंदी इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, स्पेशली एसएससी जीडी के लेवल के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है लेवल के ऊपर, भाई आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ो। सपोज जेट यहाँ पर मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ नेट जेरफ के लिए, मैं नेट जेरफ लेवल से ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, क्यों सर एक बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मैं लेंथ कितना पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके ऊपर आपका स्पेशली फोकस हो। उसके बाद में हम फिजिकल के बारे में बात करें, देखो मेल और फीमेल दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, दोनों का अलग अलग सीन है। हाइट की बात करें तो जो मेल है उनकी हाइट चाहिए यहाँ पर प्यारे साथियों 170 सेंटीमीटर, एसटी वालों की हाइट चाहिए यहाँ पर 162 सेंटीमीटर। फीमेल में बात करें तो फीमेल में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी वालों की हाइट चाहिए यहाँ पर 157 सेंटीमीटर, फीमेल की एसटी में चाहिए हाइट 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की मैं बात करूं तो नॉर्मली तरीके से सभी कैटेगरी की चेस्ट, मेल की, फीमेल की चेस्ट राउंड नहीं होती आपको भी पता है, मेल की नॉर्मली तरीके से चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद में आपकी जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आता है रनिंग का सीन, रनिंग देखो मेल को 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में कंप्लीट करनी है, फीमेल को 1600 मीटर की रेस यहाँ पर 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। अब टाइम में डिफरेंस देख सकते हो कि मेल को यहाँ पर प्यारे साथियों 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में, फीमेल को 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। ये सारा का सारा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस वैकेंसी से संबंधित मैं 2-3 वीडियो लेके आ रहा हूँ, जैसे पहला कट ऑफ का, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी बिल्कुल डिटेल से बात करूंगा मैं, ठीक है। दूसरा टोटल पिछली बार कितने फॉर्म भरे गए थे डिटेल से बात करूंगा मैं, यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है, जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, एनआईए है, तो उनमें से बेस्ट कौन सी है, हमें कौन सी को सबसे टॉप प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसके ऊपर बात करूंगा, जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात करूंगा, वर्किंग प्रोफाइल के ऊपर बात करूंगा कि आपको वहां पर किस तरीके का काम करना होगा, कौन सी पोस्ट ज्यादा रिस्की है, कौन सी पोस्ट कम रिस्की है, ठीक है। इसके अलावा इस वैकेंसी के संबंध में इन फ्यूचर कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से ऑलवेज अपडेट रखूंगा, तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही भर्ती आने वाली है, सीरियस होकर तैयारी शुरू कर दें और बेस्ट ऑफ लक आपको बिल्कुल एडवांस में कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो, आपका सपना पूरा हो एसएससी जीडी में लगने का। इसके अलावा मैं सैलरी स्लिप का एक कॉमन वीडियो लेके आ रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कितना क्या सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।